धीरेन्द्र शास्त्री जी राम कथा से जुड़े हुए हैं और राम कथा से जुड़ने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कभी भी ऐसी बात नहीं करते हैं। कोई न वो मुझे जानते थे न मैं उन्हें जानता था, अनजाने में उनने भी कोई बात कहती थी और ठटी बांधने वाली बात और अनजाने में ही मुझसे कोई बात निकल गई थी। लेकिन जो संदेश देते हैं श्री राम कथा का वो एक अच्छा संदेश है और राम जी ने ओबीसी एससी एसटी पिछड़े वर्ग के लोगों को गले लगाया और सबको सम्मान दिया, सबका साथ दिया, सबका उद्धार किया। जैसे सबरी के झूठे बेर खाए, केवट जी के साथ रहे, वो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को उनने एक देश को संदेश दिया एकजुट करने का और एकजुटता से ही उनने लंका पर फतेह पाई थी। ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री जी भी राम कथा वाचक हैं और राम कथा के जरिए लोगों को संदेश देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं गलत नहीं बोल सकता, ऐसे लोगों का तो मैं सम्मान करता हूं और देश को भी सम्मान करना चाहिए, तो मैं भी उनका सम्मान करता हूं। वो देश के प्रति जो काम करते हैं तो मैं भी उनके साथ में पीछे लगकर मैं भी देश के लिए पिछड़े लोगों के लिए सम्मान देने का काम करूंगा और सेवा का काम करूंगा। अब जो कौन सी क्या आप बागेश्वर धाम जाएंगे? बागेश्वर धाम एक धार्मिक स्थल है हमारे देश का और आस्था का केंद्र है और बागेश्वर धाम मैं नहीं, सबको जाना चाहिए बागेश्वर धाम। और फिर मुझको तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का नौता आया है, उन्होंने संदेश दिया है कि प्रीतम लोधी एक बार बागेश्वर धाम आए तो हम बैठ के चर्चा करें, तो मैं इस पर निश्चित जरूर जाऊंगा। क्योंकि इसलिए जाना जरूरी है कि कुछ लोगों ने देश के हमारा और बागेश्वर धाम जी के बीच में जहर घोलने का काम किया है और वो जहर जब ही खत्म होगा कि जब हम बैठ के चर्चा करेंगे और जिनने जहर घोला है उनको हम बेनकाब करेंगे। और से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।